हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फिर मेरे को भी कुछ खास पता नहीं है कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, पर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इसलिए आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। यूँ मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप पहली बार आए न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं अपने जंगल की गौशाला में। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बोर्ड लगा है, इसमें बहुत कुछ लिखा है जो पढ़ के तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। पर हाँ, इधर एक बात और अच्छी लिखी है, जल ही जहाँ वन है वहाँ जल है। बहुत ही अच्छी लगे। चलिए फिर दिखाते हैं आपको गौशाला के अंदर का। ये गेट है, इसे मैं अंदर घुस चुका हूँ अभी, दिखाता हूँ। दोस्तों, ये गौशाला के अंदर आते ही हमको एक अच्छा सा कुछ देखने को मिला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको। आप ये देख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट टंकी तीन नग। चलिए कह नग है इसको, हम गन के आपको बता रहे हैं। पानी के लिए नहीं, वर्मी कंपोस्ट मतलब खाद वाद बनाने के लिए शायद इसको बनाए हैं। तो अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, पर करेंगे अभी। तो चलिए फिर और कुछ दिखाते हैं गौशाला के अंदर का। तो दोस्तों, फर्स्ट में तो हम आपको वर्मी कंपोस्ट का दिखाए टंकी, अब आपको सेकेंड में देखिए ये दिखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। जंगल के अंदर में है तो बहुत ही अच्छा है। झोपड़ी बना दिए हैं मस्त इसके अंदर है। चलिए इसके अंदर भी दिखा देते हैं आपको। आप ये देख सकते हैं कितना बैठने के लिए अच्छा व्यवस्था बनाया गया है। इधर यहाँ कौन तो आग भी तापा है। चलिए फिर यहाँ का हो गया, और दिखाते हैं। सुविधा लगाया गया है, देख सकते हैं आप। इधर ये झोपड़ी टाइप से बना दिया गया है, और इधर देख सकते हैं रहर का खेती किए हैं अंदर में, और यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। चलिए बने रहिए, कंटिन्यू। तो यहाँ पर एक और नज़ारा बहुत अच्छा है जो कि आप लोग भी देख करके बोलेंगे कि हाँ, सच में गौशाला में ये सुविधा रहना चाहिए। ये देख सकते हैं पूरे पानी टंकी है जिसमें अभी पानी भी है फिलहाल। तो चलिए फिर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं पानी पानी पूरा है, ठंडा है पानी, पर मैं अभी छूंगा तो नहीं क्योंकि ठंडी बहुत है। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में आए हैं घूमने के लिए, तो सोचा मैं कि ब्लॉग एक वीडियो बना लूँ। देख सकते हैं पीछे, यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए पूरा पानी टंकी दिखाई दे रहा है पूरा वहाँ पर तक, और भी इधर भी है सामने की ओर। ये देख सकते हैं, ये बड़ा बड़ा टंकी है, और ये कुछ छोटा छोटा टंकी है, इसमें भी पानी भरा है। देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पूरा पानी भरा है। चलिए फिर और दिखाते हैं आगे। तो आप तो गौशाला देख ही चुके होंगे, तो अपने छोटे भाई के लिए एक छोटा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो।
मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये गौशाला देख करके अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, या फिर कुछ मेरे से गलती हुआ हो बोलने में तो कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय।